नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र खन्ना, पुलिस इंस्पेक्टर। हम लोग सब फेसबुक यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता कि फेसबुक के पास हमारा पूरा डेटा रहता है। जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर स्नैपडील पे सर्च करते हैं, तो उसका पूरा मतलब जितना भी ऐड रहता है वो पूरा अपने को फेसबुक पे दिखाई देता है। फेसबुक के पास ये डेटा कैसा अवेलेबल रहता है, आप शायद नहीं जानते रहेंगे कि आपका पेटीएम, आपका व्हाट्सअप, आपका कोई भी बैंक स्टेटमेंट हो, सबका डेटा फेसबुक के पास है। दोस्तों, इसके बचने के लिए कोई इसमें आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। आप अपने फ़ायदे के लिए वीडियो पूरा देखिए। आपको कुछ नहीं करने का है, खाली आपने फेसबुक अकाउंट ओपन करने का है। उसके बाद में आपको राइट हैंड पे, सबसे ऊपर राइट हैंड पे आपको तीन लाइनें दिखाई देंगी, उस पर आपको क्लिक करने का है। उसके बाद आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी जो ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करो। उसके बाद में आपको सेटिंग्स में जाने का है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके योर फेसबुक इंफॉर्मेशन में ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लर्न मोर के नीचे आप देखोगे। फिलहाल तो मैंने पूरा वो क्लियर हिस्ट्री किया है, इसके में दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन आप अगर लर्न मोर उसके नीचे आप देखोगे तो आपको पूरा जानकारी रहेगा कि फेसबुक आपका कौन सा एप्लीकेशन जो है वो आपको एक्सेस कर रहा है। उसमें आपका पेटीएम है, व्हाट्सअप रहेगा, व्हाटएवर जितना भी आप यूज़ करते हैं, सब फेसबुक आपको एक्सेस कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करने का है दोस्तों, क्लियर हिस्ट्री कर दो आप। क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद आपको क्लियर हिस्ट्री करने का है। क्लियर हिस्ट्री हो जाने के बाद आपको नीचे, सबसे नीचे मोर ऑप्शंस है, उस पर आपको क्लिक करने का है। मोर ऑप्शंस में जाने के बाद आपको मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी, जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है, मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी, आप वहाँ पे क्लिक करो। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आएगा मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी, आपको वहाँ पे क्लिक करने का है। तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है फ्यूचर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, उसको आपको ऑफ करने का है। वो आपको पूछेगा टर्न ऑफ करने का है क्या, तो हाँ टर्न ऑफ करने का है। टर्न ऑफ करने के बाद दोस्तों, आपका कोई भी इंफॉर्मेशन, आपका पेटीएम, आपका व्हाट्सअप, आपका बैंक का कोई भी स्टेटमेंट, वो फेसबुक के पास नहीं रहेगा, वो डेटा टोटली क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हैकर्स अपना फेसबुक हैक करता है, वो हैक करने के बाद इजीली आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका पेटीएम, आपका पूरा बैंक के ऊपर वो टोटली अपना पूरा बैंक वो पूरा हैक करके आपका पूरा ट्रांजेक्शन छेड़छाड़ करके पैसा निकल सकता है। तो इसके बचने के लिए आप ये फीचर यूज़ करने का ही है, नहीं तो इन फ्यूचर आप बहुत तकलीफ़ में आ सकते हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू।